आदाब नाज़रीन, एवरी टाइम्स न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान फरीदुद्दीन। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं 18वीं लोकसभा के तमाम नौ मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद पेश करती हूं। आप सब मुल्क के वोटरों का एतमाद जीत कर यहां आए हैं। मुल्क और अवाम की खिदमत का ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबसे पहले मुल्क के जज्बे के साथ अपने फराइज अंजाम देंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में लोकसभा इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दी। दौरान खिताब सदर जमहूरिया ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि सरकारी भर्तियों और इम्तहानात में सफाई और शफाफियत जरूरी है। पेपर लीक हुए और इम्तहानात में बेजाबतगियों के मामलात की आला सतह पर तहकीकात की जा रही है। मेरी हुकूमत पेपर लीक के हालिया वाकयात की गैर जानबदाराना तहकीकात के साथ साथ मुजरिमों को सख्त सजा देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी सियासत से ऊपर उठकर मुल्क गिर ठोस हल की जरूरत है। पार्लियामेंट ने इम्तहानात में बेजाबतगियों के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं चार स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश इन तो हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है। जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी स्पष्ट नजर आ रहा है। 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की पीएम जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूह के उत्थान का माध्यम बन रही है। सरकार पीएम सूरज पटल के माध्यम से वंचित वर्ग तक आजीविका के अवसरों को पहुंचाने के लिए सुलभ ऋण भी उपलब्ध करा रही है। मेरी सरकार दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। क्या आप भी इस समर सीजन में घर बैठे बोर हो रहे हैं? आइए और देखिए हैदराबाद में मस्ती और मजा सब कुछ एक ही जगह, लंदन सिटी एग्जीबिशन, पीपल्स प्लाजा, नेकलेस रोड पर। मजेदार राइड्स, शानदार शॉपिंग और लजीज खाने का मजा लीजिए। शानदार लंदन ब्रिज का मॉडल जो सिर्फ इस मेले के लिए बनाया गया है। पिक्चर परफेक्ट मोमेंट्स का मौका सिर्फ यहाँ। पाकिस्तानी और लखनवी के रंग बिरंगे कपड़ों के स्टॉल्स पर शॉपिंग का मजा लीजिए। फैशन का नया ट्रेंड ढूंढने का बेस्ट चांस। थ्रिल अम्यूजमेंट राइड से लेकर बच्चों के लिए फन गेम्स, सब कुछ यहाँ है। तो फिर देर किस बात की, तशरीफ लाएं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और जिंदगी के लम्हों को यादगार बनाएं। लंदन सिटी एग्जीबिशन, पीपल्स प्लाजा, नेकलेस रोड, हैदराबाद।